है कि परीक्षा समाप्त होने से पहले ही पीयून आता है और सभी अभ्यर्थियों को मोबाइल दे दिया जाता है वहां पर परीक्षा के दौरान ही, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदाचार का ये सबूत उन्होंने खुद साबित कर दिया है। हम लोग अपनी बातों को रखे, प्रश्न पत्र लिखता दोनों पाली का, लेकिन ना सरकार सुनी, ना आयोग सुनी, ना आर्थिक अपराध इकाई सबूत का जवाब में, जब आयोग की तरफ से और आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो जवाब दिया गया है उससे स्पष्ट है कि आयोग और आर्थिक अपराध इकाई दोनों मिल करके समझ लीजिए लीपापोती का बैग, जूता, मोजा, मोबाइल सभी से बाहर रखे हुए थे और एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल दिया ही नहीं गया था और किसी भी सेंटर पे नहीं दिया गया था। हम लोग जहाँ पे परीक्षा दे रहे थे वहाँ बाहर में लाइन में लग करके मोबाइल अपना लिए थे और बैग हम लोग अपना लाइन में लग करके लिए थे और बिहार के तमाम सेंटर पर इसी तरह से हो गया था। और बीएस कॉलेज का सेंटर जो था दानापुर का, क्या वो एक स्पेशल सेंटर था? वहाँ पर रूम में जा करके मोबाइल दिया जाएगा, ये कहाँ का नियम है? वो भी परीक्षा चल रही है उसी समय, और प्रश्न पत्र देखिए कितना पेज का प्रश्न पत्र रहता है, प्रत्येक पेज का फोटो खींचा गया है और वहाँ पे ओएमआर सीट का भी फोटो है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं हूँ श्वेता मेहता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में जिस प्रकार से पेपर वायरल हो रहा है और उस पर सुनवाई में जो आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है वो बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है, तो हमारे साथ यहाँ पे अभी बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल के अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इन सब पे क्या मामला है। चार बार सुनवाई हो चुकी है, 5 जुलाई, 19 जुलाई और 24 जुलाई को, तो कोर्ट ने इन सब मामलों में क्या कुछ कहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस मामले में? देखिए, हम लोगों के मामले में अभी तक चार सुनवाई हुई है। पहला सुनवाई वो 5 जुलाई को हुआ था जिसमें 2 सप्ताह का समय दिया गया था आयोग को कि आप इसमें अपना जवाब सबमिट कीजिए। 19 जुलाई को सुनवाई का डेट रखा गया था लेकिन 19 जुलाई तक आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम लोग का एक डेट पड़ा 24 जुलाई को। 24 जुलाई से पहले उन्होंने अपना एक जो हलफनामा दायर किया उसमें आयोग ने, आर्थिक अपराध इकाई ने साफ साफ स्वीकार कर लिया था कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ और कुछ वीक्षकों का नाम था, उनकी लापरवाही अनुशासनहीनता की वजह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ। उसी हलफनामा में ये भी लिखा हुआ है कि परीक्षा समाप्त होने से पहले ही पीयून आता है और सभी अभ्यर्थियों को मोबाइल दे दिया जाता है वहाँ पर परीक्षा के दौरान ही, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदाचार का ये सबूत उन्होंने खुद साबित कर दिया है कोर्ट के अंदर। उसके बाद देखिए 27 जुलाई को हम लोगों को नया डेट मिला लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कहा गया कि इस संबंध में एक PIL जो कि चीफ जस्टिस के बेंच में उस पर सुनी जा रही है, तो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया कि पहले चीफ जस्टिस को सुन लिया जाए। इस वजह से हम लोगों का केस उस दिन कोई ऐसा निर्णय नहीं आ पाया क्योंकि 28 जुलाई को उस PIL पर सुनवाई थी जो प्रिया कुमारी ने दायर किया। तो जब PIL की सुनवाई हुई उसके बाद, तो देखिए प्रिया कुमारी के केस में 28 तारीख को उनके केस में यानी PIL पर सुनवाई होनी थी चीफ जस्टिस के बेंच में। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि PIL में अगर ड्राफ्टिंग कमज़ोर होगा तो यदि आयोग के पक्ष में निर्णय जाता है तो फिर हम लोगों का केस का कोई मायने नहीं रह जाता क्योंकि हम लोगों का केस उनसे नीचे के जज सुन रहे हैं। तो चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, ऐसा हमारे वकील का कहना था कि चीफ जस्टिस के निर्णय के अगेंस्ट में जाने की यहाँ पर ये नहीं है बाकी जजों को, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा डर था कि PIL की वजह से कहीं हमारा केस कमज़ोर ना हो जाए। वैसे हमारा केस इतना स्ट्रांग है कि हर कोई यह कह रहा है कि 99% चांस है कि यह परीक्षा पूरी तरह से रद्द होगी। लेकिन 28 जुलाई को जो PIL पर सुनवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस का एक बड़ा बयान सामने आता है क्योंकि उस दिन हमारी वकील भी वहाँ पर उपस्थित थी और उनके द्वारा काउंटर किया गया और आयोग चीफ जस्टिस को ये अवगत कराया गया कि इस संबंध में 2 रिट याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है। तो चीफ जस्टिस के द्वारा भी इस पर कमेंट किया गया कि ठीक है, ये खुद अगर रिट के डोमेन में आता है तो फिर आप PIL में क्यों आ गए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था वहाँ पर चीफ जस्टिस के द्वारा और उन्होंने ऐसा कहकर उस दिन उनके जजमेंट को रोक लिया और आगे उनको 4 अगस्त का डेट मिला है। साथ ही ये भी कहा गया कि रिट पर सुनवाई लगातार जारी रहेगी, तो 2 अगस्त को हम लोगों को नेक्स्ट डेट मिला है और उस दिन देखिए कुछ बड़ा निर्णय हम लोगों के पक्ष में आ सकता है। आज आपने अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि जो SP और वहाँ के जो आयोग का बयान है दोनों अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, SP का ये जो SP ने जो एफिडेविट दायर किया है SP का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1:05 के जगह पर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है दैट इज 2:10 PM, यानी उनका ये कहना है कि 2:10 पर प्रश्न पत्र वायरल किया गया जबकि बाकी सारे रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 1:05 पे प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। लेकिन SP का रिपोर्ट थोड़ा सा अलग है, तो इन लोगों का जो रिपोर्ट है उसमें अपने आप कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत सारे उसमें अपने आप में विरोधाभास है, ये कहीं से भी हाईकोर्ट में टिकने वाला नहीं है। आयोग जो अपने तरफ से वो दायर कर रही है उसमें वो कहीं से टिकने वाले नहीं है। ये जो आप लोगों का केस चल रहा है परीक्षा को कैंसिल करवाने को लेकर, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप?
कोर्ट की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? हम लोग फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग लगातार देखिए पटना में प्रदर्शन भी किए थे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्जाम रद्द हो गया था, लेकिन उसके बाद लगातार जो बची हुई दो पाली थी उस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए हम लोग लगातार सड़क पे आयोग के सामने, आर्थिक अपराधिका और सरकार के समक्ष तमाम सभी जगह हम लोग अपनी बातों को रखे, प्रश्न पत्र लिखा दोनों पाली का, लेकिन ना सरकार सुनी ना आयोग सुनी ना आर्थिक अपराध इकाई सबूत इकट्ठा ठीक से किए। आर्थिक अपराध इकाई का आप देखिएगा, जब हम लोग कोर्ट जो हम लोग का जो केस हुआ है CWJC नंबर 5802 और एक CWJC नंबर 2376 है, दोनों के जवाब में जब आयोग की तरफ से और आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो जवाब दिया गया है उससे स्पष्ट है कि आयोग और आर्थिक अपराध इकाई दोनों मिल करके समझ लीजिए लीपापोती का काम कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा जब आप कह रहे हैं परीक्षा शुरू होने से दो मिनट पहले, खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं रिटर्न में, यानी कि 12:15 के दो मिनट पहले, यानी कि 12:13 के करीब जो फोटो खींचा गया एग्जामिनेशन हॉल में और सभी अभ्यर्थियों को मोबाइल दे दिया गया, ये तो इनका जवाब ही गलत है। ये जो जवाब दिए हैं कोर्ट में, जो जवाब दिए हैं ये जवाब इनका गलत है और कोर्ट में ये हारेंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं जो जब जितने भी अभ्यर्थी थे सभी जो अपना बैग, जूता, मोजा, मोबाइल सभी से बाहर रखे हुए थे और एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल दिया ही नहीं गया था और किसी भी सेंटर पे नहीं दिया गया था। हम लोग जहाँ पे परीक्षा दे रहे थे वहाँ बाहर में लाइन में लग करके मोबाइल अपना लिए थे और बैग हम लोग अपना लाइन में लग करके लिए थे और बिहार के तमाम सेंटर पर इसी तरह से हो गया था। और BS कॉलेज का सेंटर जो था दानापुर का, क्या वो एक स्पेशल सेंटर था? वहाँ पर रूम में जा करके मोबाइल दिया जाएगा? ये कहाँ का नियम है? वो भी परीक्षा चल रही है उसी समय, और प्रश्न पत्र देखिए कितना पेज का प्रश्न पत्र रहता है, प्रत्येक पेज का फोटो खींचा गया है और वहाँ पे OMR सीट का भी फोटो है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? देखिए जब हियरिंग हुआ है हम लोग का 5 तारीख को हुआ, 19 तारीख को हुआ, फिर 24 को हुआ, फिर 27 तारीख को हम लोग का हियरिंग हुआ, तो 27 तारीख को फैसला तो आ जाता, लेकिन जो आर्थिक अपराध इकाई के जो वकील हैं उनका कहना था कि ये मामला जो है PIL जो है एक प्रिया कुमारी नाम की लड़की है जो PIL की हुई है उसको चीफ जस्टिस के बेंच वो चल रहा है, तो जज साहब से वो रिक्वेस्ट किया सर उसको देख लिया जाए, उसको भी देख लिया गया है। अब हम लोग को नेक्स्ट डेट मिला है 2 तारीख को। अब आर्थिक अपराध इकाई के जो एडवोकेट हैं वो अब ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा मामला जब चीफ जस्टिस के बेंच में है, क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय भी इस बात को क्लियर कर दिए हैं कि ये रिट का मामला है, आप PIL में क्यों आए हैं, और चीफ जस्टिस के संज्ञान में ये बात चला गया है और हमारे जो एडवोकेट थी वो वहाँ पे काउंटर कर दिए और वहाँ पे बोल दिए कि ये मैटर जो है दो रिट जो है इस पर चल रहा है, इस पर सुनवाई चल रही है, इसलिए अब जो है कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा और 2 तारीख को एकदम क्लियर निर्णय आएगा, बहस होगा और हम लोग के केस में इतना मेरिट है कि हम लोग के एडवोकेट साहब जो दीनू सर हैं स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस केस में इतना मेरिट है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीत सकते हैं, इतना केस में मेरिट है, इसलिए ये परीक्षा रद्द हो के रहेगी, परीक्षा रद्द होगा ये डेफिनेट और निश्चित है। और पूरा जो 9 लाख अभ्यर्थी जो इंतजार में बैठे हुए हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं वो इंतजार में बैठे हुए हैं, वो जो मेहनत करते हैं उनके मेहनत पे जो ये सरकार और आयोग मिलकर के जो पानी फेरने का काम करता है ये नहीं चलने देंगे, कानून का डंडा चलेगा और हम लोग जरूर जीतेंगे। क्या लगता है जो प्रिया कुमारी के द्वारा PIL दर्ज की गई है इसमें आपके केस में क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क पड़ता, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चीफ जस्टिस के बेंच में ऐसा कहा गया है कि ये मामला रिट का बनता है, PIL का बनता ही नहीं है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसका PIL खारिज होगा। प्रिया कुमारी कौन है नहीं है इसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अगर प्रिया कुमारी का उद्देश्य भी इस एग्जाम को रद्द कराना होता तो प्रिया कुमारी को हम लोगों से संपर्क करना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों के पास पर्याप्त एविडेंस था। प्रिया कुमारी PIL दायर करके कहाँ गायब हो जाती है, एक बार भी मीडिया में नहीं आती है कि उनके पास क्या है नहीं है। हम लोग जब से केस दर्ज किए हैं उसके बाद से लगातार मीडिया में आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, हमें जो ज़रूरत महसूस हो रहा है हम बोल रहे हैं लोगों को, हम छात्र साथियों को कि अगर आपके पास भी कोई प्रूफ है सेकेंड शिफ्ट को लेकर के, थर्ड शिफ्ट को लेकर के, अगर कोई और भी ऐसा एक्टिविटी कहीं हुआ है जो आपके पास उसका नॉलेज है तो आप हम लोग को ज़रूर बताइए। लेकिन प्रिया कुमारी इस केस में सामने एक बार भी नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि कहीं साजिश के तहत तो उनसे PIL दर्ज नहीं करवाया गया है। क्या लगता है आप लोग केस जीत पाएंगे? बिल्कुल, हमारे केस में इतना पर्याप्त एविडेंस है, इतना मेरिट है कि हम लोग इस केस को जीतेंगे। और चूंकि उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है ना कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, उसने खुद स्वीकार कर लिया कि करीब 12:13 पर सभी अभ्यर्थियों को मोबाइल दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि परीक्षा समाप्त होने से पूर्व 1 मिनट पहले भी यदि परीक्षा कक्ष के अंदर कोई इस तरह का एक्टिविटी होता है जिससे परीक्षा में कदाचार उत्पन्न हो, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो, तो उस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और इसी केस के आधार पर हम लोगों का केस निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे उस निर्णय के आधार पर।
आपका नाम? जी मेरा नाम सूरज कुमार सिंह तोमर, पिटिशनर बिहार एसएससी सीरियल 3 मामले में। आपका नाम? मेरा नाम आशीष सिंह। देखिए किस तरह से बिहार में जो है परीक्षाओं को कैंसिल करने के लिए केस चल रहा है और किस तरह से एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही अभ्यर्थियों को मोबाइल दे दिया जाता है और इस मामले में कैसा कोर्ट में स्पष्टीकरण आता है और एसपी और आयोग के बयान में भी बहुत डिफरेंस पाया जाता है। तो देखते हैं कि आगामी सुनवाई में इस केस का क्या होता है, चीफ जस्टिस इस केस के बारे में क्या फैसला लेते हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। मैं श्वेता मेहता, धन्यवाद।